मैं अपने गांव रतुला से आ रही थी कल शाम को, नहीं चला पता, अचानक वो दो लड़के मेरे सामने आ गए और वो लड़के खड़े हो गए। उसमें से एक लड़के ने कहा, जैसे उसने सिगरेट, वो भाग गए। हो गई है नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मेरे क्लासरूम से वीडियो की शुरुआत हो रही है और ये है मेरे साथी। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है आज, बाहर देखें तो बिल्कुल धूप नहीं है। और कुछ हो ना हो, बंदर आपको जरूर देखने को मिलेंगे, अंदर हो या चाहे बाहर। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने एक बैग रखा हुआ था यहाँ पे किसी काम से, और बंदर शायद इसी रास्ते अंदर आए होंगे क्या। हाँ और बंदरों ने अंदर आके पूरा बैग खाली कर दिया, पूरा फाड़ दिया। तो मेरे साथ है विपिन, बहुत दिन बाद कॉलेज आ रहे हैं और हम लोग काम एक क्लास हमारी हो गई है। तो विपिन केदार घाटी के त्रिविनायक गांव से है, मतलब बिजनेसमैन लोग हैं ये। तो केदार घाटी में आजकल क्या चल रहा है और यात्रा के क्या हाल है, रुक जाओ शांति रखो, यात्रा के क्या हाल है वो विपिन से पूछेंगे। यात्री आ रहे हैं अच्छा, कुछ दिन बाद क्या होता है कि जब यात्रा शुरू होती है तब खूब लोग आते हैं, बीच में बरसात में नहीं आते। आप फिर से आने वाले हैं ना, तो कितना पैसा कमाया जा रहा है, क्या क्या बिजनेस चल रहा है, बाबा की कृपा से सब हो रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ, मेरे पैर पे चोट कैसे लगी। मैं अपने गांव रतुला से आ रही थी कल शाम को और अचानक रुद्रप्रयाग में पहुंचने ही वाली थी। वहां पे रुद्रप्रयाग पहुंचते पहुंचते वहां पे एक चढ़ाई आती है, तो वहां पे चढ़ाई के लिए दो लड़के आ रहे थे केटीएम में, और मोड़ के सामने वो बिल्कुल मेरे सामने कैसे आए कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मतलब अचानक वो दो लड़के मेरे सामने आ गए और वो इतनी जल्दी आए कि इतना कुछ हुआ कि मैं सीधे गिर गई, ठीक है, और मैं घबरा गई उनको देख के। और वो लड़के नहीं गिरे, वो बिल्कुल मेरे बगल पे खड़े होकर गए। तो वो दो सेकंड की बात है ये, ऐसा कुछ वो मैं उनके बगल पे गिर रखी हूँ और वो लड़के खड़े होकर। उसमें से एक लड़के ने कहा, जैसे ही मेरा हेलमेट उतर गया सीधे, तो उसने कहा ये मोनिका है। तो पहले वो मुझे उठाने की सोच रहे थे, लेकिन जैसे उतरने लग गए तो एक ने कहा ये मोनिका है जो बाइक चला रहा था। तो उसने कहा कौन, उसने कहा सिलोड़ी। तो दूसरे ने कहा भाग, जैसे उसने कहा सिलोड़ी वो भाग गए, क्योंकि उनको पता चला कि मैं हूँ तो वो भाग गए। तो कितनी अजीब चीज हुई, क्योंकि मेरे को उस समय एक आदमी की जरूरत थी। मैं मतलब जहाँ पे गिरी थी वहां पे किसी पुलिस वाले की गाड़ी, पुलिस वालों की बस नहीं होती, वो किसी किनारे पे खड़ी हो रही थी और मैं उससे टकराई, और मुझे वहां पे किसी एक आदमी की जरूरत महसूस हुई। लेकिन वो लड़के भाग गए क्योंकि उनको पता चला कि ये वो है। तो बढ़िया बात है कि उनको पता चला कि मैं हूँ, क्योंकि उनको पता है कि मैं कैसी हूँ। मेरा सिर चाहे कट जाए, अस्तित्व तो नहीं कटने दूंगी, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा है, मैं गलत चीज बिल्कुल सहन नहीं करती। उनको लगा होगा कि ये हमको बोलते, और बढ़िया किया ब्रो तुम लोगों ने। वो लोग सोच रहे होंगे ना, मुझे पता है कि वो देख रहे होंगे ब्लॉग, उनको पता चल रहा होगा कि अगर वो मुझे जानते हैं तो जाहिर सी बात है ब्लॉग देख रहे होंगे, तो उनको इस बात की खुशी हो रही होगी कि हम भाग गए, अच्छा हुआ। लेकिन हाँ, सही किया तुमने, तुम भाग गए, क्योंकि अगर तुम वहां पे होते ना, तुमने वैसे भी नहीं बचना था फिर। लेकिन वैसे ये सच बात नहीं है, सच बात तो ये है कि कोई भी काम हम लोग जानबूझ के तो करते नहीं है, ऐसे गलती से हो जाता है। तो गलती से अगर हम गिर गए तो मैं तुमको शायद ही कुछ नहीं बोलती, लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए बाद में आया कि मुझे किसी एक आदमी की जरूरत महसूस थी, क्योंकि मेरा बैग फंस गया था और काफी मशक्कत के बाद मुझे वो निकालना पड़ा। दिन का टाइम था तो कोई आ जा भी नहीं रहा था, कोई बहुत टाइम बाद कोई आया जब मैं उठ गई थी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सुन के बुरा लगा। लेकिन ये डर मुझे पसंद आया, जो तुमने मेरा नाम लिया ना और तुमको हुआ कि भागो, अब ये डर मुझे पसंद आया ब्रो। कुछ तो लोगों को आजकल हमें देख के इस बात का भी डर है कि कैमरा निकाल देंगे, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीजें कौन से कोई जानबूझ के करता है, लेकिन मदद करनी चाहिए थी। अगर आपको डर लगी इस बात की कि मैं आपको कुछ बोल दूंगी या कैमरा निकाल दूंगी, लेकिन जरूरत महसूस करनी चाहिए कि यहाँ पे कोई नहीं है और कितनी लगी होगी, बिना ये जाने आप लोग भाग गए तो ये थोड़ा गलत होता है ना, मदद करनी चाहिए दूसरे की। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन किसी और के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, भागना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि छपरी पना तो तुम छोड़ोगे नहीं, तो हो सकता है कि अगली बार भी ऐसी कंडीशन आए, तो बिना भागे देखना है एक बार, क्योंकि हो सकता है किसी और को ज्यादा जरूरत महसूस हो। तो इस तरह से मेरे पे चोट लगी, हालांकि जिस तरह से मैं गिरी उतनी मेरे पे चोट लगी नहीं है, मतलब बहुत कम, गाड़ी पे भी नहीं लगी,
लेकिन थोड़ा सा मेरे को उस समय जरूरत महसूस हुई थी। चोट तो बिल्कुल नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन तो इस तरीके से मेरे पे चोट लगी। नदी में पानी भी बहुत ज्यादा आ रहा है और कालापन भी हो रखा है, इसका मतलब गंदी भी हो रही थी नदी। इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ काफी बारिश आ रही है। तो सुनने में तो आ ही रहा है केदार घाटी आजकल हर दिन बारिश से भरी हुई है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अगस्त में शहर के लिए बारिश आना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। और देखिए छोटा सा बच्चा इतना बड़ा थैला लेके जा रहा है। ओ हीरो कैसे हो, बड़े छोटे हो तुम, इतना बड़ा बैग लेके जा रहे हो, ले जा पा रहे हो? हाँ जी, मेरा रूम वही बिल्कुल सामने गंगानगर में है और यहाँ पे मैं एक चीज महसूस करती हूँ कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये रोड जाती है कंपनी की तरफ के लिए और ये जाती है ऊपर केदारनाथ के लिए, लेकिन जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बोर्ड तो है नहीं, छोटा सा है वो सामने, उस पे लोगों की नजर पड़ती नहीं है। और सुबह शाम जब भी मैं देखती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां रुकती हैं, तो जो भी लोग आए कंफ्यूज ना होए, ये कंपनी के लिए जाती है, ये तो ऐसी रोड है, लेकिन मेन रोड जाती है ऊपर। चलो चलो यहाँ पे लग चुका है चक्का जाम, सवारियाँ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है कुछ वहाँ से यहाँ। फुल हो गई तेरे फुल गए, मतलब गेयर बॉक्स आवाज कर रहा है। तो जो भी ऊपर से गुप्तकाशी की तरफ से गाड़ियाँ आती है उसमें सवारियाँ शिफ्ट होती हैं जो यहाँ पे बैठती है। तो फिलहाल मैं आई हूँ जिया कैफे में, जो कि तिलवाड़ा मार्केट से थोड़ा सा ही पीछे है, मतलब अगस्त मुनि की तरफ के लिए। और हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, मेरे साथी भी पहले से आ रखे होंगे शायद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बॉय, हेलो, हैप्पी बर्थडे, आज है रुद्र का बर्थडे। हाय 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 साक्षी, ठीक है? मौसी को प्रणाम नहीं कर रहा? लोग भी तेरे को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। थैंक यू बोल, गुड बॉय। आज बर्थडे बॉय के लिए अच्छा सा खाना खिलाओ जिसमें मिर्ची ना हो, है ना रुद्र? बर्थडे है तो अच्छा खाना खाएगा ना। हम लोग आज यहाँ का पिज्जा ट्राई करने वाले हैं ना, क्योंकि देख लेते हैं एक बार, फिर खाने के लिए होता है ना, फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ तो सबसे पहले ट्राई करना चाहिए कि अलग अलग चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छी जो होंगी उसको खाते रहना चाहिए। फिर तो हमने यहाँ पिज्ज़ा नहीं खाया कभी, इससे पहले हमने डोसा खाया हमेशा। नाच कर मेरे को हैप्पी बर्थडे बोलो, डांस कर, मैं ज़्यादा गाना यूज नहीं कर सकती, डांस कर जल्दी जल्दी, गुड बॉय, गुड यार। या चलते चलते आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है दिल, ये तुझको पुकारे तेरी परछाइया, तुझसे दिल ना लगाए कोई, कैसे पिज्जा से दिल ना लगाए कोई, बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियां, कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं, वाह 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 वाह, थोड़ा सिंगर बहुत बढ़िया। खा उधर, अभी तो कहता खाना नहीं है, बैठ जा खाएगा खाना है भैया, और चिली फ्लेक्स भी दे दो। अभी तो कहता था मैं खाऊंगा नहीं, थैंक यू बोल रहे, थैंक यू बोल उधर। नींबू है, नींबू, नाम बता दिया अपना, नाम सबको थैंक यू बोलो, ऐसे बोल थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 रुद्रो, बाय 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 रुद्र, बाय, वीडियो कॉल करेंगे, बाय बाय बाय। वो लोग तो चले गए रुद्रप्रयाग, लेकिन मुझे जाना है यहाँ की गाड़ी में, यानी अगस्त मुनि वापस। तो हम लोग दोनों तरफ की गाड़ियाँ रोक रहे थे, पहले इस तरफ फिर उस तरफ, कहीं कहीं मिलेगी, लेकिन फाइनली उनको पहले मिल गई है। अच्छा सीट नहीं है उसमें, वापस आ जाओ फिर, रुको, नहीं रुक रहे हैं, इनको एक साथ बिठा दो कहीं, भैया इनको एक साथ बिठा दो कहीं,
पीछे कहीं पे बैठ जाओ ना, ये साथ में बैठ जाएंगे। अरे सब अजीब हो, गरीब लोग हैं यार वो सब। गोदी में बैठ जाएगा ना, ये तो छोटा है। बैठ बैठ साथ में बैठ, उधर बैठ जा। भैया आप तो लोकल होंगे ना, आप तो लोकल होंगे ना। गाड़ी का नंबर नोट करने की जरूरत तो नहीं है क्या? हाँ ठीक है ठीक है, चलो बाय। वीडियो कम करो। नहीं क्यों करो, बाय 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 बाय। चलिए फिर हो गई है रात और समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।